सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रियल ड्राइविंग स्कूल ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करने वाला है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम कर लेते हैं गेम को ओपन। तो गेम के साइज़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये कुछ 300 MB के आसपास गेम का जो आपको साइज़ देखने को मिलेगा। उसी के साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो है ना एक ऑफलाइन गेम है, बिना एरर के हमारा गेम वर्क कर रहा है। यहाँ मोबाइल डेटा, वाईफाई सब कुछ ऑफ है मेरा। चाहे तो आप इसको ऑनलाइन खेल सकते हैं, पर अभी तो मैं ऑफलाइन हूँ। और यहाँ पर आपको कैरियर मोड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको शायद लेवल से ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। फ्री प्ले ही मैं करने वाला था, बट मुझे कुछ लॉबी में बताना था, तो मैं थोड़ा सा बाहर जाना चाहता हूँ यहाँ पर से। तो लॉबी में से मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, उसके बाद मैं फ्री प्ले करूँगा। तो ये गैरेज आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी कार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में बहुत सारी अलग अलग कारें। अब हाँ, ये गेम का सबसे हाईलाइटिंग फीचर जो है वो मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि वो आप समझ गए होंगे कि गेम की ग्राफिक्स कैसी है। मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने इसका जो है ना प्ले स्टोर पर वो देखा था ना स्क्रीनशॉट, तो मैंने मुझे ऐसा लगा यार GTA 5 के स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं क्या इन्होंने। बट फिर जब मैंने गेम को प्ले करा ना, सही में मेरा मन था कि मैं इसको मेन चैनल पर कवर करूं, बट पुराना गेम होने की वजह से मैंने वहाँ पर नहीं करा, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं ही नहीं जानता था। क्योंकि इतना जो है ना मैं सिर्फ लिमिटेड गेम्स ही शुरू में प्ले करता था, वो तो अब यूट्यूब चैनल खोल लिया उसके बाद से जो है ना अब रेगुलर अपडेटेड रहता हूँ। बाकी पहले ये जब गेम आया था ना, अगर ये आता ना तो डेफिनेटली मैं इस पर बहुत वीडियोस बनाता। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो एक चीज़ देखना आप कितना रियलिस्टिक इस गेम का जो है ना आपको यहाँ पर डैमेज देखने को मिलेगा। इतना रियलिस्टिक कि टायर भी आर पार जा रहा है। तो मतलब ये है ना, थोड़ा सा मैंने है ना क्या करा था ना, अभी तो कुछ नहीं, मैं इसको कम से कम जब से डाउनलोड करा है ना तब से अभी तक मैं बहुत ज़्यादा ही प्ले करा है इसको। और मैंने इस गाड़ी के तो पूरा कचरा निकाल दिया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये है ना अपनी ये जो कार है टार्जन वाली पावर रखती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कैमरे के पास में, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसे हो जाती है हमारी गाड़ी फिर से सही। और ये इस तरीके से दो कैमरा एंगल आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। बाकी और बहुत सारी चीज़ें गेम के अंदर में। हाँ, आप चाहें ना तो डैमेज बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर में था कि नहीं, बाकी था रियलिस्टिक डैमेज का कुछ ऑप्शन था, तो उसको ऑफ़ कर देंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। पर हाँ, अभी तो काफ़ी अच्छा है, मतलब सही में बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है यार। अगर आपको ऐसे फ्री टाइम में प्ले करना है ना, देन सबसे बेस्ट गेम आपके लिए यही होगा। अगर आप कार चलाना पसंद करते हैं ना, तो आपके लिए तो डेफिनेटली इससे तो बेस्ट गेम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, एक बहुत अच्छा रियली में एक रियल ड्राइविंग स्कूल गेम हम इसको हम बोलेंगे। बाकी यहाँ पर आप चाहें तो देखो, मैं अभी इसको ठोक के दिखाता हूँ। और ये गया हमारी गाड़ी, और यहाँ पर से आप देखते हैं कि कितना डैमेज हुआ है गाड़ी को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तो डैमेज नहीं हुआ है, बट फिर भी हाँ अच्छा खासा हो गया है। और ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस गेम के अंदर में ये करना लगती है। थोड़ा सा मैं इधर साइड में आ जाता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ सबसे अच्छी चीज़ मुझे है ना इस गेम के अंदर में ये करना लगती है, मैं दिखाता हूँ। ये जो है जैसे मैं सेटिंग, ये जो गाड़ी जितने अच्छे से सही होती है ना यार, ऐसा लगता है कि क्या पता कौन सी सुपर पावर है। बाकी वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए थैंक यू।